फ्रेंड्स, आज हम लोग UPPCS एग्जाम के बारे में बात करेंगे। UPPCS 3 की तैयारी कैसे करें, साथ में मैथ्स की तैयारी कैसे करें, एग्जाम कब हो सकता है, सभी बातें पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम अगस्त में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, ये दोनों मंथ आपके लिए हो सकते हैं एग्जाम वाले, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपने मार्च का, अप्रैल का दोनों मंथ खराब किए हैं, ये पता है आपको अच्छे से, और अब अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं पर नहीं हो पाता। दूसरों से बेहतर करने के लिए आपको निरंतर कोशिश करते रहना है और पढ़ाई भी करते रहना है ढंग से। तो कैसे करना कोशिश, जैसे कि आपने काफ़ी वीडियो देखे किस तरीके से तैयारी कर, मेंटरशिप गाइडेंस कौन अच्छा दे, किस तरीके से आपने बहुत सारे सर्च किया है और आप फिर भी फेल हो गए, लेकिन अब आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको डेडिकेशन बनाए रखना है, निरंतर आपको कोशिश करना है, टाइम टेबल बनाना है। आज हो गई 2 मई और आज से आप लग जाओगे और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप कोशिश करोगे, निरंतर पढ़ाई करोगे, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे और जो टॉपर ने बताएंगे उनसे पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपने GS 1 घटना चाहते हो, सामान्य अध्ययन की बुक ले लेनी है आपको, फिर आपको CCET के लिए लेनी है, जितनी बार हो उतना बार आप उसको सोल्व करो। GS को उसमें हो जाएगा घटना चक्र में, ठीक है। CCET के लिए अलग ले लेना, आपको इतनी बार करो, उतनी बार करो, 10 से 10 बार तक तो करो, ठीक है। अभी UPPCS SDM का अभी रिजल्ट आया था, तो उसमें एक अभी मैम बनी है गायत्री मैम, उन्होंने इतनी बार बताया कि 10 बार हमने मैंने पढ़ा, वही पढ़ा, उसी मेरा फ्री निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना, और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। येलो वाली जो बुक आती है ई दृष्टि, उसको अभी से पढ़ लो, क्योंकि वो जनवरी में लॉन्च हो गई थी, तो वो वाली लेकर और फिर अभी जो एग्ज़ाम होगा उसके 4 मंथ का, 8 मंथ का करंट अफेयर्स आपको ना जीप पर रख लेना, सारा का सारा, हर क्वेश्चन, हर इवेंट्स, हर जो मेन मेन टॉपिक इंटरनेशनल वाले जो करंट वे, सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ आपको मेंस का भी तैयारी, सारे नोट्स बना के रख लेना है। तैयारी आपको मतलब जैसे ही फ्री हो जाएगा ना, उसके बाद मेंस की आपको इतनी जल्दी पड़ेगी, तो कई लोगों का क्या होता है फ्री हो जाता है, मेंस तो होता ही नहीं है फिर, तो इस वजह से मेंस के लिए तो आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो नोट्स अभी बना लो, अभी से बनाओगे नोट्स, तो आप जब प्री क्लियर कर लो तो आपको मेंस हो जाएगा, फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन पक्का। मेंस का फिर हो जाता है, फिर आप कर नहीं पाते, तो मेंस का भी अभी अभी कम से कम आप 1 महीने भी मेंस को दे दोगे तो आपका वो हो जाएगा आगे चलकर, ठीक है। तो मेंस का काफ़ी कम टाइम मिलेगा, प्री में अभी आपको टाइम मिल रहा है, तो आप ये स्वर्णिम टाइम है, तो आपको इससे बर्बाद नहीं करना है और निरंतर कोशिश करना। फिर अब मैंने अभी बता दी घटना चक्र की बुक, और कौन सी बुक ले लें, तो लक्ष्मीकांत को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, लक्ष्मीकांत को अच्छे से बेसिक से पढ़ें, कौन कौन से मेन टॉपिक है, संविधान की जो बॉडी है पूरा का पूरा आगे का जो पूरा पढ़ना है उसको, प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से समझना हो और राष्ट्रपति के, ये सब और लोकतंत्र वाला इस चैप्टर, आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन जो ज़्यादा अभी फिलहाल में चल रहे हैं वो वाले आपको लक्ष्मीकांत से डिटेल वाइज पढ़ना है। साथ में आपको भूगोल को भी अच्छे से पढ़ना, कभी स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, माधुरी दीक्षित की ले सकते हैं या फिर आप महेश वर्माड की ले सकते हैं, तो ये सब अच्छी अच्छी बुक आप देखें। और ठीक है, IAR वगैरह, तो ये आप दृष्टि IAS की जो वेबसाइट है वहाँ से फॉलो करो। अब आपको चिंता हो रही है कि मेंस के लिए क्या करें, ठीक है। मेंस के लिए जैसे कि मैंने अभी UPPCS की बुक बताने लगे ना, तो आप सोच रहे हो जिन्होंने पूरी नहीं बताई, पूरी मैंने बताई है एक वीडियो में, बहुत अच्छे से बताई, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। जो मेंस का एग्जाम, मेंस का एग्ज़ाम होगा उसकी नोट्स और उसकी तैयारी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कैसे करें, क्योंकि हर लोग, हर टीचर, कोचिंग वाला सभी 2000 का बैच, 3000 का बैच, ऐसे तरीके से बैच बेचते रहते हैं। तो आपको जैसे आपके पास पैसे नहीं है, अभी तुम बेरोजगार हो, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी है और टॉपिक्स दिए जाएंगे जो हर मतलब पिछले 1991 से लेकर जो भी एग्ज़ाम हुए उनके जो कॉपी वगैरह भी दी जाएंगी, और साथ में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए वो दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो और PDF मटेरियल समझ सकता है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और निरंतर आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी।